आज सूरज देवता आखिरकार काफी दिनों के बाद अपना दर्शन हमें दे चुके हैं और आज बहुत ही प्यारी धूप लगी है यार। हालांकि हल्के हल्के क्लाउड्स हैं। अभी मेरी हो रही है फिलहाल स्नो में ट्रैकिंग और बर्फ जो है वो इस जगह पे काफी ज्यादा है अभी। ये आप देख सकते हैं पूरी हर जगह पे बर्फ ही बर्फ है। और ये सड़क है एक्चुअली एक हमारे गांव की लिंक रोड जिसको कहते हैं, लिंक पे लगभग अभी 2.5 फुट के करीब बर्फ है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे सन नहीं आता है, सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती है। ये देखो गाइस, जिस साइज व्हीकल की मैं कल बात कर रहा था वो ये है। अगर आप पता नहीं देख पा रहे कि नहीं, मैं इसको अभी तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखो, ये किसी भी एक खंजर से कम नहीं है। मतलब ये तो खैर छोटा है, पर इससे काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वो बन जाते हैं, कई बार ढाई ढाई तीन तीन फीट के बन जाते हैं, जो कि एक चाकू की तरह काम कर सकते हैं। और ये देखो हमारे गाँव के रोड के हाल, कितनी ज़्यादा आइस है इस रोड में भी। मतलब कि रात के टाइम पे तो यहाँ पे गाड़ी चलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है, पर दिन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि ये देखो साइड में जो जेसीबी ने ढेर लगाया है सफाई करके, मतलब ये जो रोड की सड़क पे जितनी भी स्नो थी वो सारी साइड में करके ये ऐसे ऐसे बन जाते हैं पहाड़, बर्फ़ के पहाड़। और ये देखो कितना सुंदर रोड है। और सनसेट देखो यार, कितना ज़्यादा सही लग रहा है इस टाइम पे। हल्के हल्के बादल भले ही यहाँ पे दिख रहे हैं और हवा भी चल रही है, पर ये देखो कितना सुंदर पूरा माहौल है हुआ हुआ इस वक्त पे। गाइस व्यू देखना है अगर आप लोगों ने, तो ये है व्यू। इसको कहते हैं व्यू ना, मिनी स्विट्जरलैंड, मतलब मिनी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है ये। और ये जगह है हमारी फागू की, कितनी ब्यूटीफुल है यार, कितना ज़्यादा सही लग रहा है इस टाइम पे। और पेड़ों पे देखो अभी तक इतनी ज़्यादा स्नो है पेड़ों पे कि मतलब पेड़ों से भी बर्फ़ नहीं गिरी है। मतलब इस नज़ारे को तो यार जितना मर्जी बार देखो उतनी बार कम है, क्योंकि बहुत ही सही वाला सीन हुआ पड़ा है अभी सारे में। और ये ओवरटेकिंग वाले जितने भी लोग होते हैं ना, ये सबसे बेकार काम करते हैं। और अब देखो आप रोड की हालत यार,